तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने अपनी वेबसाइट के अंदर अपने टाइटल को, अपनी टैगलाइन को और हमने अपना आइकॉन और हमने अपना लोगो कैसे क्रिएट करना है, लोगो कैसे एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, मैं आप लोगों को एक छोटी सी टिप दे देता हूँ। आपने कोई भी अपना एक लोगो डाउनलोड कर लेना है। जैसे ये देखो, ये मैंने अपना डाउनलोड किया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि ये एक लोगो है। आपने इस तरह का लोगो क्रिएट कर लेना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर आना है, अपनी दोनों लैंग्वेजेस को स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद हम अपनी वेबसाइट पर चले जाएंगे। जब आप अपने डैशबोर्ड के अंदर आ जाएंगे, ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको वेबसाइट रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर हम आइकॉन अपना चेंज करेंगे, यहाँ पर हम अपना लोगो क्रिएट करेंगे और हम अपना टाइटल भी चेंज करेंगे, ठीक हो गया। आप आ जाएंगे अपनी वेबसाइट पे और अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपने जाना यहाँ पर अपीयरेंस में। अपीयरेंस में जाने के बाद ये आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कस्टमाइज। यहाँ पर आपने कस्टमाइज के ऊपर क्लिक कर देना है। आपने जो अपना साइट आइडेंटिटी के ऊपर चले जाना है, यहाँ से साइट आइडेंटिटी पर चले गए। यहाँ पर आपने जाके अपना यहाँ पर टाइटल चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी टैगलाइन भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर टैगलाइन लिख देता हूँ, जैसे ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने लिख दिया डिटर्मिनेशन, डिग्निटी और डिसिप्लिन। यहाँ पर आपने ऐसे इसका टाइटल दे देना है और यहाँ पर आपने साइट का टाइटल दे देना है। यहाँ पर आपने टैगलाइन दे देनी है। यहाँ पर आपने दे दिया। देने के बाद यहाँ पर हमने अपना लोगो क्रिएट करना है। लोगो आपने ऐसे क्लिक करना है, यहाँ से आपने अपने वेबसाइट के ऊपर से चला जाना है। वेबसाइट के ऊपर से अगर आपको समझ ना आएगा तो यहाँ पर आपने अपलोड फाइल के ऊपर जाके यहाँ से अपनी कंप्यूटर के अंदर से वो लोगो को क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको मैंने सेलेक्ट किया। क्रॉपिंग करेंगे वो यहाँ पर एडजस्ट होके आ जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पर दिखा देगा कि आपको कैसा नजर आएगा, ठीक है। ये हमारे पास बिल्कुल एडजस्ट हो गया, ठीक हो गया। यहाँ पर आने के बाद ये आपका लोगो लग गया है। यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर वो साइट आइकॉन दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप साइट आइकॉन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसी के ऊपर ही एडजस्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और स्किप क्रॉपिंग करेंगे। तो यहाँ पर वो बता रहा है कि इस जगह पे, वेबसाइट की इस जगह पे आपका आइकॉन लग जाएगा बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से, ठीक है। यहाँ पर वो कह रहा है कि आपकी मोबाइल वर्जन में कैसा नज़र आएगा लोगो। आपका मोबाइल में ऐसे नज़र आएगा, टैबलेट पे ऐसे नज़र आएगा और आपके पीसी में इस तरह नज़र आएगा, ठीक है। मोबाइल वर्जन में आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह की वेबसाइट नज़र आएगी, ठीक है। यहाँ पर से करेंगे पब्लिश। पब्लिश करने के बाद ये आप वेबसाइट पे जाके जब इसको रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद ये देखें, यहाँ पर ये हमारा लोगो क्रिएट हो गया और ये देखें यहाँ पर हमारा आइकॉन भी आ गया है और ये हमारा टैगलाइन भी हमारी आ गई है, ठीक है। तो ये वेबसाइट आज हमने सीखा कि हम अपना टाइटल कैसे क्रिएट करते हैं, लोगो कैसे क्रिएट करते हैं और अपना आइकॉन कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करना।